Now we'll be moving to question number 38. It is based on application of trigonometry. So let's see what they are saying and let's try to figure out the question. It says, we all have seen the airplanes flying in the sky but might not have not thought of how they actually reach the correct destination. ATC is a service provided by ground-based air traffic controllers who direct aircraft on the ground and through a given section of controlled airspace, and can provide advisory services to aircraft in non-controlled airspace. Actually, all this air traffic is managed and regulated by using various concepts based on coordinate geometry and trigonometry. So let's see what they are asking in the first part of it. So it says, at a given instant, find that the angle of elevation of an airplane from a point on the ground is 60 degrees. After a flight of 30 seconds, it is observed that the angle of elevation changes to 30 degrees. The height of the plane remains constantly as 3000 root 3 meter. Use the above information to answer the question that follows. So hame kya banana hai yahan pe? We have to draw a neat label diagram. Diagram create karna. So let's see what you can draw here. So let's say ki hamara point P pe tha pehle airplane, और फिर बाद में किसी और पॉइंट पे आ गई पॉइंट क्यू पे, और विद रिस्पेक्ट टू क्या है, ग्राउंड है, और उन्होंने एंगल भी बताया होगा आपको कि एंगल कितना फॉर्म हो रहा है, इट इज 60 डिग्री. और सेकेंड एंगल कौन सा फॉर्म हो रहा है आपको, क्यू के रिस्पेक्ट में, इट इज 30 डिग्री. एंड देन हाइट कितनी दी हुई है हमारी, 3000 root 3. अब नेक्स्ट पार्ट में आपने क्या करना है यहाँ पे, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कि हमने बता दिया कि अब पी और क्यू कौन से पोजिशन है हमारे, दे आर द पॉइंट्स ऑफ प्लेन फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 3000 root 3. तो सब कुछ हो गया, ये डायग्राम तो क्रिएट हो गया. अब देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में हमसे क्या पूछा गया. सो इन द नेक्स्ट वन इट सेज, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्लेन इन 30 सेकेंड्स. 30 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया. तो यहाँ पे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका डिस्टेंस, तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास क्या है, ट्राइंगल बी ए बी है. इससे क्या फाइंड आउट कर सकते हैं हम, ए बी निकाल सकते हैं. ए बी क्यों रिक्वायर्ड है और ए सी क्यों रिक्वायर्ड है हमें, इसलिए रिक्वायर्ड है बिकॉज वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल. और डिस्टेंस कैसे निकलता है, डिस्टेंस आपको पता है कैसे रिलेटेड है विद रिस्पेक्ट टू, या वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस ओनली ना, सो वी कैन इजिली फाइंड इट. सो लेट्स ट्राई टू फिगर आउट वॉट डिस्टेंस विल इट ट्रैवल. सो इन ट्राइंगल पी ए बी आई विल ड्रॉ द डायग्राम अगेन. सो इट इज लाइक दिस पी, लेट इट बी पी, let this be A, this be B, and the next one is AQC, and the bigger angle is 60, this one is 30, and the height of QC is 3000 to 3 meter. So what you have to do is you have to find the value of AB, or wo kaise niklegi, that you have to use angle triangle, sorry, PAB. So it would be tan 60 degree is equal to perpendicular over base, which is PB over AB. तो tan 60 की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, रूट थ्री. PB की वैल्यू कितनी है आपकी, 3000 root 3, और AB की वैल्यू नोन नहीं है, AB की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. तो AB को आप लेफ्ट साइड ले जाओ और रूट थ्री को नीचे ले जाना. सो आपको इससे क्या वैल्यू मिल जाएगी, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ए बी विच इज 3000 मीटर. नाउ विल बी यूजिंग द अदर ट्राइंगल, दूसरा वाला ट्राइंगल यूज करेंगे. क्यों यूज करेंगे दूसरा वाला ट्राइंगल, बिकॉज आई वॉन्ट टू फाइंड ए सी फ्रॉम दैट, और ए सी की हेल्प से हमें बी सी फाइंड आउट हो जाएगा. तो आप मुझे बताओ कि ए क्यू सी में कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं ट्रिगर. तो यहाँ पे आप बता रहे हो जैसे कि टैन यूज करें, है ना, तो यस इट मस्ट बी टैन ओनली, टैन यूज होना चाहिए क्योंकि टैन 30 किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस. तो इसमें परपेंडिकुलर क्यू सी है,
और बेस कितना है, एसी है, तो आपके पास टैन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/√3। क्यूसी की वैल्यू कितनी है आपकी, 3000√3, और एसी की वैल्यू आपके पास है ही नहीं, एसी की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। सो यू विल गेट 3000√3 × √2, एंड √3 × √3 इज नथिंग बट 3। सो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9000 मीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड कितना करना पड़ेगा आपको, इट वुड बी 9000 − 3000, सो इट इज 6000 मीटर। डिस्टेंस ट्रैवल कितना करेगा आपका जो एरोप्लेन है, इट वुड ट्रैवल अबाउट 6000 मीटर। 9000 में से हमने क्या माइनस कर दिया, डिस्टेंस ऑफ ए बी, क्योंकि ये था हमारा 30 सेकेंड्स में डिस्टेंस कवर करना बी से लेकर सी तक, मतलब बेसिकली पी से लेकर क्यू तक, क्योंकि वहीं से लेकर वहीं तक तो जा रहा है, पी और बी कॉरस्पॉन्डिंग है, क्यू और सी कॉरस्पॉन्डिंग है, सो यस इट विल बी ओनली फ्रॉम बी टू सी और पी टू क्यू, एक ही बात है बिल्कुल, क्योंकि इट हैज अ सेम डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। सो ए सी हमने फाइंड आउट किया, इट इज 9000, और 9000 में से 3000 जाएंगे आपके, ए बी हटेगा अगर उसमें से, तो हमें क्या किस चीज़ की वैल्यू मिल जाएगी, बी सी की, और बी सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है हमारे प्लेन ने फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू, दैट्स इट। और सेकेंड पार्ट भी दिया हुआ है इसी का सेम तरीके से, कीपिंग द हाइट कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द अबव फ्लाइट, इट वॉज ऑब्जर्व दैट आफ्टर 15√3 − 1 सेकेंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज टू 45 डिग्री। हाउ मच इज द डिस्टेंस ट्रैवल एट दैट ड्यूरेशन, तो एक बार इसको रिक्रिएट करें अगर हम, तो रिक्रिएट करने की वैसे ज़रूरत तो नहीं है, डायग्राम वुड बी सेम एग्जैक्टली सेम, बट इसमें क्या होगा, 30 को किससे चेंज करना है हमें, वी हैव टू चेंज इट विद 45 डिग्री, क्योंकि 60 से अब क्या हुआ है, 45 हुआ, ना कि 30 डिग्री दिया होते। तो ये 45 डिग्री हो गया आपका, नाउ वी हैव टू फाइंड हाउ मच इज द डिस्टेंस ट्रैवल इन दैट ड्यूरेशन। तो यहाँ पे देखते हैं कि हम पी ए बी यूज़ करेंगे और कौन सी वैल्यू यूज करते हैं, सो दैट वी कैन फाइंड द डिस्टेंस कवर। सो लेट्स ट्राई टू फिगर आउट इन ट्राइंगल पी ए बी अगेन, सो इट विड बी एग्जैक्टली सेम इन ट्राइंगल पी ए बी, क्योंकि इसका एंगल तो चेंज हो ही नहीं ना, इट इज टैन 60 ओनली, तो टैन 60 को टैन 60 रहने देते हैं और हमें ए बी फाइंड आउट करना था। अब मेन चेंज जो आएगा वो किस ट्राइंगल में आएगा, ए क्यू सी में, और कैसे आएगा वहाँ पे, क्यों आएगा, क्योंकि जो एंगल है वही चेंज हो गया आपका, बाकी सारी वैल्यूज तो सेम ही है और तो कोई दिक्कत है ही नहीं, सो इट विल बी टैन 45 ओनली। टैन 45 इज इक्वल टू क्यू सी ओवर ए सी, और टैन 45 होता कितना है हमारा, इट इज 1, तो 1 आ जाएगा आपका, तो ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3000√3। सो यस आई विल रिमूव √3 फ्रॉम इट एंड 9000 फ्रॉम इट, आपके पास ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, 3000√3 मीटर। नाउ वॉट यू हैव टू डू नेक्स्ट इज यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक तरीके से सेम क्वेश्चन है बट इसमें क्या है कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, सो इट वुड बी 3000√3 − 3000, सो 3000√3 − 3000, और अगर मैं 3000 कॉमन लूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √3 − 1 मीटर। बस हो गया हमारा सेकेंड और पार्ट ऑफ इट एज वेल। नाउ विल बी मूविंग टू द थर्ड पार्ट ऑफ इट, सो इट सेज व्हाट इज द स्पीड ऑफ द प्लेन इन किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड निकालनी है हमें, स्पीड कैसे निकाली जाती है, इट इज डिस्टेंस ओवर टाइम, तो डिस्टेंस कितना है यहाँ पे हमारा, इट इज 6000, हमने जैसे निकाला अभी पहले वाले केस में, इसमें निकाला था ना 6000 है, सो इट वुड बी 6000, और सेकेंड वाला तो स्पेशल केस हो गया इसलिए उसको नहीं कंसिडर करेंगे, 6000 ओवर टाइम, टाइम कितना लग रहा है 30, तो 6000 ओवर 30 कितना हो जाएगा, दिस विल बी 200 मीटर पर सेकेंड, और स्पीड कितना आ जाएगा आपका, इट वुड बी 200
मीटर पर सेकंड को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर पर आवर में. सो इट वुड बी 200 इंटू 3600 ओवर 1000, या आप क्या कर सकते थे 18 ओवर 5 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे. सो रिमूविंग जीरोस फर्स्ट ऑफ ऑल, सो यू गेट 36 इंटू 2 विच इज 720 किलोमीटर पर आवर.